चैनल को सब्सक्राइब करें और एक घंटी बजाना ना भूलें। वो गायक जिसने 50 सालों में हर रोज 5 गाने गाए हैं। अपने 50 साल के करियर में यसुदास ने 1,00,000 से ज्यादा गाने विभिन्न भाषाओं में गाए हैं। उनके कुल गीतों का आकलन करें तो बीते 50 साल में उन्होंने हर रोज औसतन 5 गाने गाए हैं। इसे छोटी मोटी बात मत समझिएगा। एक गाने को रिकॉर्ड करने में कुछ गायक दिनों या हफ्तों का समय ले लेते हैं। दिन में 5 गाने गाना बहुत अद्भुत बात है। जितनी विलक्षण उनकी गायकी का औसत है, उतनी ही हैरान कर देने वाला उनकी गायकी का विस्तार। यसुदास ने भारत की सभी मुख्य भाषाओं में गायन किया है, यहाँ तक कि वो रूसी भाषा में भी गायन कर चुके हैं। गायकी के मामले में वो भारत की पहचान है। उन्हें कई बार भारतीय विरासत माना जाता है और उनको मिला पद्म भूषण इस बात का सबूत है। संगीत जगत को दिए गए उनके योगदान के लिए उन्हें गाना गंधर्व की उपाधि भी मिली है। राष्ट्रीय पुरस्कार पाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को भी वो आसानी से रिकॉर्ड बना चुके हैं। किसी भी गायक को सबसे ज्यादा बार दिए गए नेशनल अवार्ड का रिकॉर्ड उनके नाम है। 1972 और 1973 में 2 मलयालम गीतों, 1976 में चित चोर के गीत, 1982 में एक तेलुगु गीत, 1988-93 में 3 मलयालम गीतों के लिए उन्हें पुरस्कार मिला है। एक दिन में 5 गाने गा लेने की यसुदास की अविश्वसनीय औसत पर विश्वास करने के लिए ये एक अच्छा किस्सा है। 2006 में चेन्नई में एक स्टूडियो में 4 अलग भाषा की फिल्मों के लिए 16 गाने लगातार रिकॉर्ड किए थे। संगीतकार के अनुसार वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो एक ही बार में इतना अच्छा गा देते हैं कि दोबारा गाने की जरूरत नहीं रहती। ऐसी ही अगली अपडेट को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।